हाई एवरीवन, आई होप यू डूइंग गुड। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो होने वाली है हेयर केयर पे, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे लड़कियों के, लड़कों के, कि दीदी कुछ हेयर केयर का बताओ कि बाल झड़ चुके हैं या झड़ रहे हैं या वाइट हो रहे हैं या डैंड्रफ हो रही है, तो इसको हम कैसे ठीक करें। तो इसको हम ऐसे ठीक करेंगे कि आपके घर पे ही सामान होगा सारा का सारा और उन्हीं से ही ठीक हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं किचन में और आपको दिखाएंगे कि क्या है वो सामान और किससे ठीक होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है वाइट राइस, जो कि है 1/4 कप, यानी कि ये जो छोटी कटोरी है, रायते वाली छोटी कटोरी, इसको भी आधा कटोरी, ठीक है। तो ये लिया है मैंने वाइट राइस, और ली है मैंने लौंग, लौंग लिए है मैंने 2 बड़े चम्मच, ठीक है। और लौंग का मतलब होता है बड़ा, तो यानी कि वो बालों को बड़ा करेगी। ये कौन है, ये कौन है जो फोन मार रहा है, छोड़ो। और ये है ब्राउन राइस वाटर। ब्राउन राइस वाटर इसलिए क्योंकि मैंने ब्राउन राइस अभी जस्ट बनाए थे तो मैंने पानी उसका निकाल लिया था, तो इसलिए ब्राउन राइस वाटर। अगर अगर आपके पास ब्राउन राइस वाटर नहीं है तो ऑब्वियसली इतने ही ब्राउन राइस लेने हैं, आधी कटोरी, आधी छोटी कटोरी ब्राउन राइस, और तीनों को सोक कर लेना है पूरा एक दिन, एक दिन सोक करके रखना है। अब मैं इसी पानी में पानी थोड़ा और मिलाकर इन दोनों को भी सोक कर लूँगी। इस पानी को पड़े हुए एक दिन हो चुका है और ये ऑलमोस्ट नहीं, पूरी तरह सोक हो चुके हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। हम इसको एक बार पहले मिक्स थोड़ा सा करके, इसको स्ट्रेन करके एक अलग बोल में निकाल के एक स्प्रे बॉटल में डाल लेंगे, कैसे भी जैसे भी हमने इसको अप्लाई करना है, या तो हम ड्रॉपर से भी कर सकते हैं या स्प्रे बॉटल से भी कर सकते हैं। मैं स्प्रे बॉटल में डालूंगी इसको और फिर अप्लाई करूंगी। तो मैंने स्प्रे बॉटल में डाल लिया है, और एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, मेरे को थोड़ा कोल्ड हो रहा है और सर्दी लगी हुई है। एनीवे, तो मैंने स्प्रे बॉटल में डाल लिया। मेरे पास ये स्पेयर एक पड़ी हुई थी स्प्रे बॉटल बहुत पहले से, तो मैं इसको अपने रूट्स में अप्लाई करने लगी हूँ, सेक्शन लेके। हम रूट्स में भी करेंगे और लेंथ पे भी करेंगे और एंड्स पे भी करेंगे, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लौंग गर्म कर देगी सर को या कुछ जो भी, तो जो राइस है वो उसको बैलेंस आउट कर देगा, क्योंकि राइस की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और लौंग की गर्म होती है। और ब्राउन राइस जो है वो बहुत ही एसेंशियल है बालों के लिए, उसमें बायोटिन है और विटामिन B12 और ये सब बड़े सारे चीज़ें हैं, मतलब बालों के लिए बहुत अच्छा। सो यस, ब्राउन राइस का पानी बालों में लगाओ और ब्राउन राइस खाओ। तो यस, मैंने इसे लगा लिया है, बहरा है। तो मैंने इसे लगा लिया है और एक बन बना लिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी 40-45 मिनट्स तक और फिर अपना सर दूंगी। हम ये भी कर सकते हैं कि शैम्पू नहीं करके इसको सिर्फ यूं ही रिंस कर दें तो भी सही है, क्योंकि ऑयल तो है नहीं जो कि चिपकेगा या कुछ जो भी चिपचिप लगेगा। एनीवे, और मैंने इसको नॉर्मल पानी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में ही रखा था, तो मैंने वैसे लगाया। ओ, ये क्या होगा, ये बहता जा रहा है, एक सेकेंड। एनीवे, तो हाँ, मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में ही मैंने इसको लगा दिया था, पर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहे। और ये एनीवे भी बहुत इफेक्टिव है, 3 टाइम्स ग्रोथ इससे फास्टर हो जाती है बालों की, क्योंकि पीछे जो मौसम है उसमें बहुत बाल झड़े हैं सभी के, तो इट्स टाइम टू रिकवर, ठीक है। और बाल बढ़ाओ, और बस बाल बढ़ाओ, ओके। इसको मैं वॉश करने के बाद एक फिर से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल बालों की हालत मेरी क्या है। तो मैंने अपने बाल धो लिए हैं, आई रिंस माई हेयर एंड दैट्स हाउ दे लुक, दे एक्चुअली लुक वेरी हेल्दी। और मेरे को बहुत ही, मैंने एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा कर्ल किए हैं थोड़े से, क्योंकि मम्मी का कल बर्थडे है, तो आज रात को शायद सारे आने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये किया है, बट अदरवाइज ऑल्सो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है और
टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है एंड आई गेस कि ये और भी अच्छा होता जाएगा अगर मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगी तो. दूसरी चीज़ ये कि इसको बहुत कम लगाना है, मतलब महीने में सिर्फ 2 बार ऐसा लगाना है, ठीक है, वरना आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे. साइड इफेक्ट भी है इसका, अगर एक्सेस यूज़ करोगे तो आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे. तो महीने में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है ये जो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, ठीक है. और एक और चीज़ कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि एकदम नहीं होगा ये, यू नो, जो अगर आपके बाल टूटे हैं एकदम से नहीं उठना शुरू हो जाएंगे या एकदम से बालों की क्वालिटी नहीं अच्छी हो जाएगी. हालांकि मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरे को मेरे बालों में फ़र्क दिख रहा है. सेकेंडली इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि जितना क्वांटिटी बोली है उतनी ही डालनी है, क्योंकि लौंग बहुत गर्म हो जाएगी और आपको दाने हो सकते हैं या सिर दर्द भी हो सकता है. तो जितनी क्वांटिटी बोली है आप उतनी ही क्वांटिटी डालना और मत डालना ज़्यादा, ठीक है. और इसमें आप रोजमेरी ऑयल मिला सकते हो, अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल पड़ा है तो उस सॉल्यूशन में रोजमेरी ऑयल मिला सकते हो, वो भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है. या दूसरा कोई भी ऑयल जैसे कि लेवेंडर ऑयल, अगर आपको स्मेल से दिक्कत होती है तो इसमें वैसे खासकर कोई ऐसी स्मेल नहीं है. लौंग की थोड़ी सी खुशबू है, जो कि खुशबू है वो अच्छी लग रही है, मतलब मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा, ठीक है. तो अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप इसमें थोड़ा एक दो ड्रॉप एसेंशियल ऑयल मिला सकते हो, कोई भी आपकी खुद की पसंद का, लेवेंडर मिला सकते हो या सैंडल मिला सकते हो, कुछ भी कोई भी, ठीक है. और आगे कौन सी वीडियो आपको देखनी है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी वीडियो देखनी है, और बस मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है. भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना एंड या ज़्यादा बोल नहीं पा रही क्योंकि मतलब गला ख़राब है. ओके बाय.